हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। आज हम लोग जो है इस वीडियो में यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत फंडामेंटल, जो आपका है बिल्कुल एसी। हम लोग बिल्कुल बेसिक उसका देखने वाले हैं और आज देखेंगे कि क्या क्या सीखना है हमें। फिलहाल एसी में क्या होती है एसी, कैसे हम एसी को डिफाइन करेंगे और किस तरीके से एसी डीसी से अलग होती है और क्या क्या करंट के इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं चीज़ों को। और वीडियो अगर पसंद आए, पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल एकदम धैर्य से अंत तक देखिए। आपको मेरा तरीका, मेरा पढ़ाने का कंटेंट, सारी चीज़ें अगर आपको बेहतर लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिलहाल चलिए देखते हैं आज फंडामेंटल एसी में हमें क्या पढ़ना है, एक्चुअली एसी होता क्या है ये हमें सीखना है। तो एसी आपका अल्टरनेटिंग करंट जो आपका होता है, आपका अल्टरनेटिंग करंट या एसी सप्लाई क्या होती है, एक ऐसी सप्लाई जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। मतलब एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट द जनरेशन ऑफ द एसी। अभी हम लोग यहाँ पे एसी के जनरेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि हाउ इट विल जनरेट। अभी हम लोग सिर्फ इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। जब हम लोग जनरेटर पढ़ेंगे, अल्टरनेटर पढ़ेंगे, तब वहाँ हम बताएंगे कि एसी कैसे जनरेट हो रही है। एसी जब हम लोग जनरेटर की बात करेंगे तब वहाँ पे इसको हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तो अभी आपको बस ये समझ जाएं कि एसी होती क्या है। एसी जो आपका होता है, जिस ऐसे सप्लाई, इस तरीके की सप्लाई जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहे। जैसे हम एक साइन वेव ले सकते हैं, देखिए टाइम, ये आपका मैग्नीट्यूड एक्सिस होता है, ये आपका टाइम एक्सिस होता है। आप यहाँ पे देखिए, हर एक स्टैंड पे जो इसकी वैल्यू है, हर एक स्टैंड पे इसकी जो वैल्यू आपको दिख रही है वो चेंज हो रही है। हर एक स्टैंड पे वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी निगेटिव हो जा रही है, कभी पॉजिटिव में, और कभी किसी स्टैंड पे जीरो हो जा रही है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक एसी वेव है। मैग्नीट्यूड इसका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है। मीन्स एसी एक इस तरीके की सप्लाई है जिसका जो है मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस चेंज होता है और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट 50 हर्ट्ज होती है, और यूएसए वगैरह में देखें तो यही फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अगर आप कहेंगे क्या सर एसी को हम इसी वेव से डिनोट करते हैं, ये कौन सा वेव है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अल्टरनेटिंग के टर्म में अगर हम देखें तो एक स्क्वायर वेव भी, आपका एक रेक्टेंगुलर वेव भी एसी वेव की तरह बिहेव करेगा। आप देखो, नो डाउट यहाँ पे कांस्टेंट है, बट कुछ इंस्टेंट पे जो है आपका क्या है, इसको आप पल्सेटिंग एसी बोल सकते हैं, पल्सेटिंग डीसी बोल सकते हैं। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, एसी है। एक निश्चित टाइम पे फिक्स है, बट आप कुछ क्षण पे देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एसी की कैटेगरी में इसे भी आप रख सकते हैं, स्क्वायर वेव। बट एक्चुअल में जो एसी का रिप्रेजेंटेशन होता है वो साइनोसोइडल वेव द्वारा होता है, साइन वेव द्वारा होता है। ये हमारा एक स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव है, और ये आपका एक साइन वेव है। तो एसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो साइन वेव से किया जाता है। एसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम लोग साइन वेव से रखते हैं, साइन वेव। स्क्वायर वेव से, ट्रायंगुलर वेव से, वेव कितने तरीके की होती है, देखिए वेव भी आप कुछ जान लीजिए, दो तीन वेव तरीके, सॉटूथ वेव होता है। ठीक है, तो वेव्स बहुत टाइप्स की होती हैं, बट हम लोग जो हमारे यहाँ या जो भी एसी फंडामेंटल्स होता है, जो भी एसी सप्लाई होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग साइन वेव का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे रीजन जान लीजिए कि साइन वेव का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। साइन वेव हमारे पास जो एसी होता है, एसी जो हमारा होता है, एसी वेव में बेसिकली होता क्या है, साइन वेव हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी हम साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस में जाता है, इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस में जाता है, और एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करें तो या तो साइन से कॉस में जाएगा, कॉस से साइन में जाएगा। तो कॉस का जो हम लोग वेव फॉर्म बनाते हैं वो कुछ इसका वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये कोसाइन वेव है ना, कॉस वेव आप इसको कह सकते हैं। ये साइन वेव, ये कोसाइन वेव होता है, ये 90 डिग्री लीडिंग होता है, 90 डिग्री आगे से ये जो है स्टार्ट होता है।
तो आप इसको बेसिकली कह सकते हैं कॉस वेव साइन वेव, ठीक है, ये कॉस वेव और साइन वेव, या तो हम कॉस वेव से रिप्रेजेंट करते हैं या तो साइन वेव से, चूंकि स्क्वायर वेव, ट्रेंगुलर वेव, साटूथ वेव इन सब से इसलिए नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है कि जब भी इनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, इनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा, तो ये दूसरे वेव फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और फिर उनका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होगा तो किसी तीसरे फॉर्म में चले जाएंगे। तो इनके साथ जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो साइन वेव में रखते हैं। आप इसका चाहे जितनी बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये साइन या कॉस में ही रहेगा, उसके अतिरिक्त किसी भी वेव फॉर्म में ये जाएगा नहीं, तो ये बात हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम इसका रिप्रेजेंटेशन। दूसरी बात, जब हम लोग मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं या कहीं कभी भी हम प्राइमरी वेव्स की बात करते हैं, जो हमारे जो है सी वगैरह में या तालाब में देखने को मिलता है, जब भी हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पे जो इनिशियली जो एक वेव उठता है वो बिल्कुल साइन की तरह दिखता है, दैट्स वाई उसको हम लोग फंडामेंटल वेव मानते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम बेस मान के चलते हैं वेव्स का। तो इसीलिए हमने वेव का रिप्रेजेंटेशन या साइन वेव का रिप्रेजेंटेशन हमने एसी से, एसी का रिप्रेजेंटेशन हमने साइन वेव से किया है, ये चीज़ अतिरिक्त रूप से आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो हमारे पास एसी फंडामेंटल है, एसी जो फंडामेंटल है ये दो तरीके का है। एसी की अगर हम बात करें, ये दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल फेज एसी और दूसरा होता है थ्री फेज एसी। टू फेज एसी भी होता है, टू फेज एसी भी होता है। तो सिंगल फेज एसी और थ्री फेज एसी, हम लोग सिंगल फेज के बारे में यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे, थ्री फेज सप्लाई के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है थ्री फेज सप्लाई। तो अभी आप कंसंट्रेट रहिए सिंगल फेज सप्लाई पे। सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है, अल्टरनेटिंग सप्लाई क्या होती है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे हमने एसी की बात कर ली, अब हम लोग क्या करेंगे, एसी और डीसी में थोड़ा सा कुछ अंतर जान लें, एसी और डीसी में कुछ बेसिक सा डिफरेंस पढ़ लें कि एसी और डीसी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, और एसी करंट के या डीसी करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट ऑफ करंट भी हम लोग यहीं देखेंगे। तो एसी और डीसी में जो है, डीसी क्या होती है ये भी जान लीजिए, डीसी जिसको आप बोलते हैं दिष्ट धारा करंट, दिष्ट धारा करंट, डीसी करंट, सॉरी दिष्ट धारा आपने लिख रखा है तो करंट लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी। चलिए, हिंदी इंग्लिश की वजह से समस्या हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है ना, ये दिष्ट धारा, ठीक है। हम डीसी की बात करें तो डीसी का मतलब होता है, डीसी का मतलब सिंपली है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। यहाँ पे देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में वेव फॉर्म ऐसा होता है, इसका वेव फॉर्म ऐसा होता है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन वेव का यूज़ करते हैं, ये जनरली एक सिंपल लीनियर आपको दिख रहा है फिलहाल। और यहाँ पे इसका जो इक्वेशन होता है, अगर हम लोग बात करें बेसिक, तो V इज इक्वल टू, अगर वोल्टेज वेव है तो Vm साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति जिसको आप कहते हैं, आवृत्ति वो 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में, और 60 हर्ट्ज होती है यूएसए में। सिंगल फेज में केवल एक सिंगल फेज होता है, अगर थ्री फेज की बात करें तो इसी में इसी तरीके के दो और फेज होंगे, अलग अलग उनका जो है फेज डिफरेंस होता है, तो उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एसी जो आपका वेव होता है, एसी जो आपका वेव होता है ये अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। जब भी ये किसी मैग्नेटिक सर्किट को दिया जाता है तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, वो भी प्रत्यावर्ती नेचर का होता है, वो भी परिवर्तित होता रहता है। जबकि जब हम डीसी कहीं पे अप्लाई करते हैं तो इसके द्वारा जो डेवलप जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एकदम फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, ठीक है। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये आपका वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इन सब के कुछ ये बेसिक जो है फिलहाल, ये कुछ इनके क्या हैं बेसिक, आप देखने को मिलेगा कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं एसी और डीसी में जो बेसिक डिफरेंस क्रिएट करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं एसी और डीसी में जो हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं, ये तो बात हो गई फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज को लेकर के बात हो गई। डीसी जो आपका होता है, डीसी को जनरेट करना आसान नहीं होता है, डीसी को जनरेट करना आसान नहीं होता है। जितनी भी बैटरी या सेल होती हैं,
बैटरी या जो सेल होता है उसके जो वोल्टेज होते हैं वो डीसी होते हैं, और अगर एसी की बात करें तो एसी का जनरेशन अल्टरनेटर द्वारा होता है, अल्टरनेटर या जिसको आप प्रत्यावर्तक कहते हैं, प्रत्यावर्तक कहते हैं। इसका जो जनरेशन होता है वो हाई लेवल पे किया जा सकता है, इस समय हाई लेवल पे किया जा सकता है। इस समय 33 केवी पर जनरेशन हो रहा है, 11 केवी पर होता है, 33 केवी पर होता है, इस समय 33 केवी तक के जनरेशन हो रहे हैं, जबकि ये मैक्सिमम 24 वोल्ट या 12 वोल्ट तक का जनरेशन हम लोग करते हैं बहुत लो लेवल पे, क्योंकि ये कॉस्टली बहुत होता है। आप सिंपली देखो ना, अगर हम लोग एक यूनिट बिजली का बिल यूज़ करते हैं तो उसका बिल 7 रुपये आता है, और नॉर्मली आपको 7 रुपये का कोई सिंगल 1.5 वोल्ट का सेल भी नहीं मिलेगा। तो आप सोच कर देखिए एसी और डीसी में कितना फ़र्क है। आप जितना जो है, आप अगर एक 3.7 वोल्ट की बैटरी जो आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, अगर उस बैटरी को लेकर आएँ, आप देखेंगे एक यूनिट एनर्जी वो पता नहीं कितने दिन ले लेगा प्रोवाइड कराने में, जिसका कॉस्ट लगभग उस बैटरी का कॉस्ट अच्छा खासा होता है। और आपके घरों में डेली 7 रुपये के हिसाब से अगर बिजली का बिल जोड़ें तो महीने का 300 से 400 आता है, अगर ज़्यादा लोड नहीं है तो। बहुत ज़्यादा लोड है तो 1000 2000 आता है। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं एसी और डीसी का कंपैरिजन, डीसी कॉस्टली होता है, एसी कम कॉस्टली होता है। डीसी को कहीं ट्रांसमिट करना, कम दूरी पर के लिए ट्रांसमिशन डीसी का बहुत मतलब दिक्कत होता है। कारण क्या है कि कम दूरी के लिए अगर हम ट्रांसमिशन डीसी का करते हैं तो वहाँ क्या होगा, दोनों एंड पे हमें कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। डीसी ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं फिलहाल तो दोनों एंड पे जो कन्वर्टर यूज़ करते हैं वो हमारा एक तरीके का डिसएडवांटेज है। एसी ट्रांसमिशन में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, एसी ट्रांसमिशन हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, किसी कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, कुछ एडवांटेज भी हैं डीसी के, कि इसको हम लोग केबल के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। वो केबल से ट्रांसमिट करने के लिए उसको उसके लिए स्पेशल केबल डिज़ाइन करना होगा। रीज़न यहाँ स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, यहाँ स्किन इफेक्ट कह सकते हैं नहीं होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से उसको केबल में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इसको केबल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एसी और डीसी के डिफरेंसेस हैं, ठीक है, एसी और डीसी के डिफरेंसेस हैं। अगर मैं बात करूँ एसी और डीसी के डिफरेंस के बाद, इफेक्ट ऑफ करेंट, इफेक्ट ऑफ करंट मतलब धारा के प्रभाव की बात करें, धारा का प्रभाव, कितने तरीके के प्रभाव होते हैं, धारा के प्रभाव में कितने तरीके का प्रभाव होता है, आगे हम अभी एसी पे और बात करेंगे, बट यहाँ पे चूंकि हमने शायद ये पीछे छूट गया था तो इसको हम यहाँ कवर कर ले रहे हैं। सबसे पहला प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, जूल्स का नियम आपने पढ़ा होगा, वो ऊष्मीय प्रभाव को दिखाता है, I²RT। दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। चौथा आप कह सकते हैं प्रकाशीय प्रभाव। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब, इलेक्ट्रिक करंट का ऊष्मीय प्रभाव का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के ऊष्मीय प्रभाव का सिंपल सा मतलब हुआ कि जब भी आप किसी सर्किट में कहीं पर, मोस्टली आप मान लीजिए हीटर है हमारे पास, हीटर में हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम फ्लो कराते हैं हीटर में तो क्या होता है, I²R लॉस होता है, I²R लॉस की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा उत्पन्न क्यों हुआ, करंट पास होने की वजह से, तो ये करंट का एक तरीके का ऊष्मीय प्रभाव हो गया। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपके घरों में जो नॉर्मल हीटर आप यूज़ करते हैं, वाटर हीटर यूज़ करते हैं, या आप जो है फिलहाल जितने तरीके के हीटर यूज़ करते हैं डायरेक्टली जो I²R लॉस पे बेस्ड हैं, वो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा हीटिंग प्रभाव। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ चुंबकीय प्रभाव की, चुंबकीय प्रभाव की अगर मैं बात करूँ, आपके घरों में फैन, आपके घर में जो फैन है, फैन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और आर्मेचर के थ्रू जब करंट जाता है तो मोटर आपका क्या होता है, उसमें टॉर्क डेवलप होता है, एक लॉरेंट फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से मोटर आपका घूमता है, तो वहाँ पे आपको चुंबकीय प्रभाव देखने को मिल जाएगा। या कभी भी आप किसी भी एक सोलेनोइड ले लीजिए, उसके चारों तरफ आप क्या कर लीजिए, इस तरीके की टर्न्स को अगर यहाँ पे वायर लेकर के कई टर्न लपेट कर यहाँ करंट पास कराइए तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब इसमें से फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स डेवलप होगा। ये मैं मैग्नेटिक सर्किट जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। तो ये जो फ्लक्स का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं,
ये बेसिकली इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। केमिकल इफेक्ट, आप बैटरी देखते हैं, बैटरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आप देखते हैं कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में दो मेटेलिक रॉड एनोड और कैथोड रख करके उसके थ्रू धारा प्रवाहित कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो अपने घटक में टूट जाता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन को डेवलप करता है जो एनोड कैथोड पर जा करके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये केमिकल इफेक्ट होता है, ये रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इसको जब हम बैटरी पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकाशीय प्रभाव, जितने भी बल्ब वगैरह हैं उसमें करंट पास होता है तो क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस हो जाता है, प्रकाश डेवलप हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ये प्रकाशीय प्रभाव है। तो आपको इफेक्ट जानना है, जब भी धारा का प्रभाव पूछा जाएगा, करंट का इफेक्ट पूछा जाएगा, तो ये सारे इफेक्ट उसके हैं। बाकी हम लोग उसमें ये प्रभाव भी हीटर वगैरह पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ेंगे, रासायनिक प्रभाव जब आपको बैटरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे, प्रकाशीय प्रभाव भी हम लोग बल्ब वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी स्पेशल टॉपिक है जिनको हम लोग स्पेशल क्लास में कवर करेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या होता है इलेक्ट्रिक हीटर, ये कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको जो है डिटेल में बताएंगे, इस पे कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ यूज हो रहे हैं, तो एक एक लेक्चर हम लोग इस पे छोटा छोटा बनाएंगे और बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रभाव आप यहाँ जान लीजिए कि धारा का प्रभाव कैसा होता है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, अब एसी को हम थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, अब एसी पे पूरी तरीके से फोकस होते हैं, डीसी की कहानी खत्म करते हैं यहाँ से। एसी फंडामेंटल वेव है ये आपका, इसको हम फिर से बनाते हैं। ये करंट वेव भी हो सकता है, वोल्टेज वेव भी हो सकता है, समझिएगा ध्यान से, देखिए करंट वेव भी हो सकता है, साइन वेव, वोल्टेज वेव भी हो सकता है। इसको समझने की क्या बात है इसमें, ये देखिए, ये आपका कंप्लीट, ये इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मान लीजिए हम वोल्टेज वेव लेकर चल रहे हैं तो इसका इक्वेशन जो होता है वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे वी टी जो है ताक्षणिक मान है, इसको हम बोलते हैं ताक्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वी एम आपका जो है ये अधिकतम मान है, और ओमेगा आपका कोणीय वेग जो एंगुलर वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका जो है फिलहाल ये जो वेलोसिटी चल रहा है, टाइम टी क्या है, टाइम है, ये सेकेंड में होता है, ये सब वोल्ट में होता है। अगर वोल्टेज वेव है, करंट वेव होगा तो, अगर करंट वेव होगा तो आपका एम्पियर में होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है सब डिफाइन करेंगे। देखिए किसी भी फंडामेंटल एसी वेव में जो वेव फॉर्म है उसकी हम एनालिसिस अच्छे से करेंगे। इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, इसको हम बोलते हैं क्या, वी पी या वी एम, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं पॉजिटिव अर्धचक्र, इसको हम बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र, धनात्मक अर्धचक्र, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऋणात्मक अर्धचक्र, ठीक है, ये धनात्मक अर्धचक्र, यहाँ ये पाई होता है, ये टू पाई होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम हाफ साइकिल बोलते हैं, और यहाँ से ले करके यहाँ तक जो ये कंप्लीट होता है ये होता है टू पाई, इसको हम बोलते हैं, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, टी से, और ये हमारा टी कुछ और नहीं होता है, टी हमारा होता है आवर्त काल, क्या होता है, टी होता है आवर्त काल, टी हमारा क्या होता है, आवर्त काल होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव और निगेटिव, अगर निगेटिव का वेव फॉर्म हम देखें, देखिए एक और हम यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा, अगर हम लोग ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, अगर हम बात करें तो ये प्लस वी एम है और ये माइनस वी एम है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस देखें तो इसको हम लिखते हैं टू वी एम, क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं टू वी एम, मतलब आप यहाँ लिखते हैं पीक टू पीक वैल्यू, क्या, पीक टू पीक, मतलब पीक टू
पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज को हम वी पी पी दिखाते हैं, वी पी पी दिखाते हैं बराबर 2 VM होता है, या इसको हम लोग VM माइनस माइनस VM ऐसे लिखते हैं। तो ये जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये 2 VM आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पीक टू पीक वैल्यू। अगर कभी पीक टू पीक वैल्यू दिया है और आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो कभी देखिए कंफ्यूज नहीं होना, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो ये तो बात हो गई ये टाइम पीरियड। एक साइन वेव का जो टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है, वो 2π होता है। क्या होता है, 2π। इसको हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। और टाइम पीरियड होता क्या है, ये सारी बातें हम डिफाइन करेंगे अभी, एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि कहाँ पे क्या है, इसको साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को आराम से हम डिफाइन करते हैं, समझते चलिएगा आप क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है टाइम पीरियड। ठीक है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, देखिए पीक टू पीक वैल्यू आपने देख लिया, मैं डिफाइन करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान को डिफाइन करते हैं, अधिकतम मान VM, अधिकतम मान एक साइन वेव द्वारा किसी एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, अधिकतम जो वैल्यू कवर की जाती है, अधिकतम जो वैल्यू गेन की जाती है, वही इसका अधिकतम मान होता है। इसको हम लोग वोल्टेज में मेजर करते हैं, अगर वोल्टेज है तो, करंट है तो एम्पियर में मेजर करते हैं। ये टाइम पर निर्भर नहीं करता, ये समय पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये आपका टाइम पर निर्भर नहीं करता, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है किसी भी एसी वेव के लिए, पहली चीज। दूसरा आपका होता है ताक्षणिक मान। मतलब हर एक क्षण का मान, मतलब ताक्षणिक मान अगर हम बात करें VT, ये आपका वोल्टेज का मान जो साइन वेव है, साइन वेव के हर एक टाइम पर वोल्टेज का जो मान होता है उसे हम उसका ताक्षणिक मान कहते हैं। और V of T, यहाँ T लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समय पर निर्भर करता है। अगर टाइम की वैल्यू आप देखो यहाँ बदलते जाओगे तो VT का मान बदलता जाएगा, VM नहीं बदलता। ताक्षणिक मान आपका वह मान होता है जो टाइम पर निर्भर करता है, और समय बदलने के साथ साथ क्या होता है, ताक्षणिक मान बदलता रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपका कि ये टाइम पर निर्भर कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा आवर्तकाल, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवर्तकाल का टाइम पीरियड का सिंपल सा फंडा है, किसी साइन वेव द्वारा एक कंप्लीट चक्र पूरा करने में लिया गया समय ही उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इन दोनों को जितनी देर में पूरा कर लेगा ये समझ लीजिए उसे ही हम क्या बोलेंगे, इसका आवर्तकाल बोलेंगे। ठीक है ना, तो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में, एक पूरा चक्र कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया जाएगा इस वेव द्वारा, यही उसका टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। ठीक है, और दूसरी चीज आती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो होता है साइन वेव का, जो साइन वेव है उसका आवर्तकाल। दूसरी चीज, एक सेकेंड में साइन वेव अपने जितने साइकिल कंप्लीट कर लेगा वही इसका क्या होगा, आवृत्ति होगी। इसलिए F = 1/T होता है। मतलब टाइम पीरियड हमेशा आवर्तकाल का क्या होता है, अपोजिट होता है। फ्रीक्वेंसी हमेशा आवर्तकाल का अपोजिट होता है। मतलब आवर्तकाल क्या कहता है कि एक चक्र कंप्लीट करने में जितना समय लेगा वो आवर्तकाल होगा। और टाइम पीरियड क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी कहता है एक सेकेंड में जितने चक्र ये कंप्लीट कर लेगा वही इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो अब देखिए इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है भाई, 50 Hz है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ साइन वेव का आवर्तकाल क्या हुआ, T = 1/50। अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0.02 सेकेंड। मतलब 0.02 सेकेंड लगता है
एक साइन वेव को अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में, ऐसा आप कह सकते हैं 50 हर्ट्ज के हिसाब से। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है साइन वेव की, ये अल्टरनेटर द्वारा डेवलप होती है और इसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, NS इज इक्वल टू 120F बाई P होता है। तो F अगर हम निकालते हैं तो PNS बाई 120, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे P क्या होता है, मशीन में कितने पोल हैं, मशीन के पोल, पोलों की संख्या, NS सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, F आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको इसमें पता होना चाहिए। AC की कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दिया कि AC में एक्चुअली होता क्या क्या है, क्या टाइम पीरियड है, क्या साइकिल है, क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें आपको और कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, जो बेसिक बेसिक टर्म थे वो हमने आपको डिफाइन करा दिया। अब देखिए, पीक टू पीक वैल्यू भी देख लिया, आवृत्ति भी देख लिया, अब हम लोग फेज वगैरह का थोड़ा सा बात कर लें कि फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस कैसे निकालना होगा, या अगर हमें RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू अगर हमें निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, तो RMS और एवरेज वैल्यू को कब कब कहाँ कहाँ कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस है उसकी जो रियल में वैल्यू दी होती है, RMS होती है, एवरेज होती है, क्या होती है, इन सब पे भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। पहले अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, फेज देख लेते हैं, सिंगल में यहाँ पे लीडिंग लैगिंग जो फेज होता है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। चूँकि हम प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ फेज बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट ये जान लीजिए कि जैसे यहाँ पे आपके पास वी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। एक हमने और वेव फॉर्म लिया, लेकिन इसकी जो शुरुआत है ये आगे से होती है, थोड़ा सा पहले से, मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है ये फाई है, क्या है, ये फाई है। तो इसका वेव फॉर्म हम जो लोग लिखेंगे, हम लोग ये मान लीजिए फाइव डिग्री आगे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर ये आगे है। एक वेव फॉर्म अगर और हम लिखें और वो यहाँ से शुरू हो ऐसे, तो यही फाइव वैल्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम ओमेगा टी माइनस फाइव। मतलब ये जो वेव है, ये हमारा रेफरेंस वेव है, इस वेव और इस वेव में अंतर क्या है, इस वेव से ये वाला वेव फाइव डिग्री आगे चल रहा है, मतलब ये लीडिंग है, इसको हम बोलेंगे लीडिंग, क्या बोलेंगे, लीडिंग मतलब अग्रगामी, क्या बोलेंगे, अग्रगामी, और इसको क्या बोलेंगे, लैगिंग, लैगिंग बोले तो पश्चगामी, मतलब ये 90 डिग्री या 5 डिग्री पीछे चल रहा है किससे, इससे, और ये 5 डिग्री आगे चल रहा है, मतलब अगर ओमेगा टी प्लस फाइव है मतलब आगे है किससे, रिफरेंस से, क्योंकि ये ओमेगा टी है, सिर्फ ओमेगा टी है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 5 डिग्री पीछे चल रहा है, मतलब माइनस ओमेगा टी। एक चीज़ और यही जान लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, जहाँ पे f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ही होती है, f क्या होता है, 2πn लिखते हैं हम लोग जनरली यहाँ पे, ठीक है ना, 2πn लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग लेकर के चलते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, n हमारा फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे f लिखते हैं, f हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए अगर इसके लिए Vm के लिए ये हमारा फेजर डायग्राम है, तो ये Vm है, अगर V ऑफ T है, और इसको मान लीजिए आप V1 बोल रहे हैं, इसको V2 बोल रहे हैं, तो V1 लीडिंग है, कितना, 5 डिग्री, तो हम इसका यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, लीडिंग 5 डिग्री, मतलब अगर रेफरेंस क्वांटिटी से कोई क्वांटिटी अगर लीड कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब किसी क्वांटिटी से एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली जो
क्वांटिटी होगी वो लीडिंग होगी, और इससे हमारा अगर क्लॉकवाइज हमने घुमाया मतलब ये वी टू टी है, ये हमारा क्या है 5 डिग्री लैगिंग है। अब अगर इन दोनों के बीच में फेज अंतर पूछे तो आप कह सकते हैं क्या होगा 2-5 हो जाएगा। तो ये लीडिंग लैगिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि कब कौन सा लीडिंग होगा कौन सा लैगिंग होगा। बहुत बेसिक सा पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये कुछ नोटेड पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एसी से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक पॉइंट देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास एसी में जो है अगली क्लास में आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और कुछ जो इससे रिलेटेड की पॉइंट्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। एसी क्या होता है, फंडामेंटल एसी के बारे में मैंने आपको चीज़ें बता दी, थोड़ा सा जो ये था इनके डेफिनेशन मैंने इनको लिखा नहीं है सिर्फ बोर्ड पे, बट आप समझ सकते हैं इसको कि मैंने सारी चीज़ें डेफिनेशंस सभी की मैंने बता दी है, और नो डाउट आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, और आगे हम लोग जो है आपको और भी चीज़ें डिलीवर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अगर इसमें आपको कोई भी कहीं पे भी सिंगल भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर एक नया वीडियो बना करके आपको आपका डाउट जो है मैं क्लियर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।